गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सोनपाल दगश, ENT हेड एंड नेक सर्जन। आज हम बात करेंगे नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंडर होने वाले डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। मुझे काफी सारी क्वेरीज आ रही है, व्हाट इज दिस डिप्लोमा, इज इट एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज PG डिप्लोमा, नेशनल बोर्ड डिप्लोमा क्या PD सेट के लिए एलिजिबल है, हम इसके बाद डिग्री कम्प्लीट कर पाएंगे, क्या हमें मेडिकल कॉलेज में AP बनने की चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू दे देता हूँ। इट इज अ 2-ईयर कोर्स पोस्ट MBBS डिप्लोमा एंड उसमें कोई थीसिस नहीं होती है, और उसके थियरी पेपर्स में 3 पेपर होते हैं बजाय कि 4 पेपर जो DNB के स्पेशलिटी डिग्री वाले स्पेशलिटी के अंदर होते हैं। लेकिन इसके प्रैक्टिकल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज़ अगेन सेम 300 मार्क्स प्रैक्टिकल। जो भी मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं जवाब देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फीस 1,25,000 फिक्स ऑल ओवर इंडिया, पहले 1,47,000 थी, अब 22,500 GST कट कर दिया सरकार ने, अब सिर्फ 1,25,000 पे करना है। स्टाइपेंड हर एक स्टेट सिटी के हिसाब से अलग अलग मिलता है, इट इज़ नॉट जनरलाइज्ड ऑल ओवर इंडिया। हाँ, DNB मतलब DNB या DRNB या NBA डिप्लोमा, नेशनल बोर्ड के सारे कोर्सेज में एक मिनिमल गाइडलाइन है कि आप 35,000 से कम पे किसी को भी नहीं दे सकते, लेकिन इसके साथ साथ ये भी लिखा है कि 35,000 इज़ द बेयर मिनिमम। अगर स्टेट इससे ज़्यादा आपको स्टाइपेंड कोई MD MS या डिप्लोमा कैंडिडेट्स दे रहे हैं, तो आपको वही स्टाइपेंड नेशनल बोर्ड के कोर्सेज में एनरोल होने वाले कैंडिडेट्स जो या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, अगर मेडिकल कॉलेज में हो, कहाँ पे भी हो, आपको सेम सैलरी सेम स्टाइपेंड सबको देना है। नाउ टॉकिंग अबाउट टफनेस ऑफ द कोर्स और इसके अंत में एग्ज़ाम कैसा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ सेम लाइक DNB, देर इज़ नो डिफरेंस। मैं आपके स्क्रीन का आप देख सकते हो पासिंग परसेंटेज, जो हमारी पहली बैच थी 2021 बैच जो हमने स्टार्ट किया रेसिडेंसी 2022 के स्टार्टिंग में, उनका पासिंग रेट देख सकते हो। तो आप पासिंग रेट देख के आप ये समझ गए होंगे कि इट इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी बेट कि आपने कुछ नहीं मिल रहा है और डिप्लोमा ले लिया। इट इज़ बेटर टू गो इफ़ यू हैव मनी देन बेटर गो फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज MD MS, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डिप्लोमा देन PG डिप्लोमा कोर्सेज हैपनिंग एट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड देन इफ यू डोंट गेट एनीथिंग यू कैन चूज डिप्लोमा। इस नेशनल बोर्ड की स्पेशल वो डिप्लोमा है, इट इज़ वैलिड ऑल ओवर इंडिया, MCR रिकॉग्नाइज्ड, यस यू आर फुल्ली एलिजिबल फॉर पोस्ट डिप्लोमा कम एंट्रेंस टेस्ट दैट इज़ PDCET। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अभी डिप्लोमा ले लूँगी और उसके बाद मैं PD सेट दे के डिग्री करूँगा और फिर उसके बाद SRship करूँगा और उसके बाद मैं AP में ज्वाइन होऊंगा मेडिकल कॉलेज में, इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन अ मेडिकल कॉलेज देन थिंक अगेन बिकॉज ये 2 साल का डिप्लोमा होता है एंड देर इज़ ऑलवेज अ वेरिएबिलिटी इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन थियरी एग्जामिनेशन, हर बार कुछ ना कुछ होता है, दोनों के बीच में गैप बहुत होता है। थियरी एग्जाम जब होती है उसके 3 महीने बाद रिजल्ट आता है नेशनल बोर्ड के द्वारा, उसके बाद 1 महीने के अंदर प्रैक्टिकल होता है, तो अगेन यू टू रीड एवरीथिंग, और प्रैक्टिकल एग्जाम इसका आपके सेंटर पर नहीं होगा। आपका 2.5-3 साल आपको PD सेट में एंट्री करते हुए लग जाएगा, फिर आप PD सीट में एडमिशन लोगे सेकेंडरी DNB में, तो आप JR2 डायरेक्ट एंट्री करोगे जो भी आप DNB कोर्सेज में हो और आप जो भी हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हो। फिर आपको अगेन 2 साल देना है वो डिग्री कंप्लीट करने के लिए, फिर उसका थियरी एग्ज़ाम, उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, मतलब उसमें भी डीले हो सकता है क्योंकि फुल्ली नेशनल बोर्ड कंडक्ट करवाता है, सो इसमें हमेशा डीले रहता है। तो आपका 2 साल का कोर्स प्लस आपको ने 8-9 महीने PD सीट में दिए, ठीक है, आपने एग्ज़ाम का वेट किया, आपने काउंसलिंग का वेट किया, काउंसलिंग करी, आप जाके ज्वाइन किए सेकेंडरी में, उसका 8 महीना गिन लो, 2 साल 8 महीने और 2 साल, और उसमें भी 3-4 महीने और लग जाएंगे आपको निकलते, प्रोवाइडेड यू पास एवरी सिंगल एग्ज़ाम एवरी सिंगल टाइम इन फर्स्ट अटैम्प्ट, देन ऑल्सो आपके 5 साल। सिर्फ एक स्पेशलिटी की डिग्री हासिल करने में लग जाएंगे। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू विल टेक डिप्लोमा एंड ज्वाइन अ मेडिकल कॉलेज एज AP इन फ्यूचर, यू विल हैव टू गिव 5 ईयर्स ऑफ योर डेडिकेटेड हार्ड वर्क। और ये नेशनल बोर्ड का एग्ज़ाम है, ये कोई मेडिकल कॉलेज का MD MS का PG डिप्लोमा का एग्ज़ाम नहीं है। सो एवरी एग्ज़ाम विल बी अ चैलेंज फॉर यू, और इतना आपके अंदर डेडिकेशन है और आपको कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, देन ओनली यू शुड टेक नेशनल बोर्ड डिप्लोमा कोर्सेज। सर्जिकल ब्रांचेज में आपकी स्किल्स मैटर करती है, ठीक है, हो सकता है आपको सर्जिकल ब्रांचेज में उतना दिक्कत ना हो, या तो आपको सब कुछ जानते हो सर्जरीज तो, ठीक है, लेकिन इन जनरल ओवरव्यू ऐसा मान के चलो जो डिग्री होती है उससे नेशनल बोर्ड का डिप्लोमा करने के बाद भी आपको 20-30% सैलरी कम ही मिलेगी इनिशियली।
फिर आपके वर्क के हिसाब से। प्रोग्राम के बारे में बताने के बाद मुझे ऐसा लगता है आपको ड्रॉबैक्स तो समझ आ ही गए होंगे। इसके फ़ायदे क्या है? फ़ायदे ये है कि इसमें कोई थीसिस नहीं होता। फ़ायदा ये है कि इसमें आपको 2 साल में ख़त्म हो जाता है। फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्ट अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस 2 साल के एंड शुरू कर सकते हो। आप डायरेक्ट जॉब शुरू कर सकते हो, डायरेक्ट कंसल्टेंट एज अ जॉब शुरू कर सकते हो। आपका को फ्यूचर में प्लान है कि आपको एपी ही बनना है मेडिकल कॉलेज में, आपको मेडिकल कॉलेज में टीचिंग में ही जाना है, तो इतना लंबा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इससे बढ़िया आप 1 और साल पढ़ के दूसरी एग्ज़ाम दे दें, वापस डिग्री ले लें, या तो थोड़े पैसे इकट्ठा करके आप MDMS ले लें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले लें, क्योंकि इतना साल दे पाना सबके लिए बस की बात नहीं होती है।